के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सबकी बात हो रही है तो छात्रों की बात भी सुनी जानी चाहिए। छात्र परेशान हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई है, तो फिर परीक्षा अचानक से ऑफलाइन क्यों हो रही है। रांची से लेकर धनबाद तक छात्रों ने हंगामा किया, खास करके डीएवी के छात्रों ने। छात्र ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अचानक से आप ऑफलाइन परीक्षा अगर ले लेंगे तो हम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, हम उसके लिए तैयार भी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। इम्तिहान तो है, लेकिन दिक्कत ये है इम्तिहान ऑफलाइन है, बस इसलिए छात्र परेशान है। ये प्रदर्शन डीएवी के छात्र कर रहे हैं। एक तस्वीर में रांची के छात्र हैं, दूसरी तस्वीर में धनबाद के छात्र। छात्रों की मांग भी सुन लीजिए। पेपर पे पेरेंट्स साइन करेंगे, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा ऑफलाइन एग्जाम दे वो आ करके देंगे, जिनके नहीं चाहते वो किसी के घर में सर डायबिटीज पेशेंट है, यहाँ अगर किसी को कोविड हो गया घर में जाकर के, वो कितना वायरल डिजीज है ये सबको पता है, वो फैलेगा फिर क्या करेगी हम लोग फैमिली, क्या करेगी हम लोग घर उसे बैठे थे, तुम लोग खुद से नहीं पढ़े, तुम लोग पैसा क्यों दे रहे हैं स्कूल में। टीचर से कहना है कि सब पास हो जाएंगे, जब सब पास हो ही जाएंगे तो यहाँ मैटर कर रहा है कि सब पास हो जाएंगे, यहाँ पास होने की बात नहीं हो रही। जब कोविड-19 किसी को होगा तो उसका जिम्मेदारी स्कूल लेगा। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पापा यहाँ पे 5 दिन आकर हमको एग्जाम नहीं दिलवा सकते हैं, यहाँ कौन 5 दिन पे लॉस देगा, नहीं देगा। किसी को कुछ होता है, हेल्थ इशू हो रहा है ना, पढ़ाई तो अलग बात है, हम लोग पास होने लायक है, इतना भी कोई घटिया स्टूडेंट नहीं होता कि पास नहीं हो सकता। 23 नंबर ऐसा नहीं कि कोई नहीं ला सकता। क्लास हुआ है और बच्चा लोग को अब बोल रहा है ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, तो ये लोग लिखित दे रहे हैं कि बच्चा को पास कर देंगे। अब साल भर में पढ़ा, ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये तो हम लोग क्लास तो कर ही रहा था बच्चा लोग कि अच्छा से एग्जाम दिया कि नहीं, आप लिखित देंगे सर बच्चा लोग को पास कर दीजिएगा कि नहीं। भविष्य का बात है, वो एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं सब मिलकर के डिसाइड करती है, वो अलग बात है। लेकिन जो एग्जामिनेशन किसी पे फोर्सफुली हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बात दिए हैं कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस हमारा जो डिसीजन होगा सीएमसी का वही हम लोग फॉलो करें। अब छात्र, छात्र के परिजन और शिक्षक, सबकी बात आपको सुना दी गई, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों के साथ मिलकर ढूंढना पड़ेगा। जब क्लास ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों? लगभग 11 महीने से बंद है स्कूल, इस दौरान बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऐसे में अचानक ऑफलाइन परीक्षा। छात्रों को समझ ही नहीं आ रहा आखिर परीक्षा कैसे दे, छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं। एक साल तक क्लास का मुंह भी नहीं देखा, अचानक से परीक्षा कैसे। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए आयुष चौहान के साथ धनबाद से अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।